पितामह पत्री जी ने हमें वो चीज़ दी है जो हमें ना हमारी माँ ने दी ना हमारे पिता ने दी। उन लोगों ने हमें खुद से मिलाया है, अपने आप से मिलाया है कि हम क्या हैं। मेरा नाम कविता शेरावत है, मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली द्वारका, और मैं इस लाइन में 8 महीने पहले आई हूँ और मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। इसमें आने से पहले मेरे पूरी बॉडी में पेन रहता था, जॉइंट पेन, और मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं अपना काम पूरे तरीके से नहीं कर पाती थी, उसकी वजह से मेरे बच्चे भी वो होते थे और मैं भी परेशान रहती थी। लेकिन ये चीज़ मेरे को मेरे बेटे ने ही दी है। फर्स्ट टाइम उसने मेरे को बताया, मैंने JTTP 12 शुरू किया, फिर उसके बाद धीरे 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 मेरा पूरा पेन कहाँ चला गया मुझे कुछ नहीं पता। मैं BP की मेडिसिन लेती थी, वो भी बंद हो गई मेरे को, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है और मैं कुछ नहीं करती, सिर्फ मेडिटेशन करती हूँ। और जो ये JTTP हैं इनसे, जो ये सेशन चलते हैं उनसे सिर्फ टाइम देती हूँ, बाकी सब अपने आप ध्यान में हो जाता है और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। सबसे बड़ी बात है शाकाहारी बनो, शाकाहार हमारे जीवन को शुद्ध बनाता है। जो चीज़ हमें मिली है हम उसी का सेवन करें, उससे अलग करेंगे तो हमें नुकसान ही होगा। जब हम कभी पहले बंदर थे तो हम फूल पत्तियाँ फल यही चीज़ें खाते थे, उसी तरीके से हमारा सिस्टम बना हुआ है, लेकिन अब हम नॉनवेज खाते हैं, वो चीज़ गलत है, हमारा सिस्टम ख़राब हो रहा है, उसके जिम्मेवार हम खुद हैं। लेकिन ये चीज़ हम समझ नहीं पा रहे हैं और इसी का भरपाई हमें करनी पड़ती है। सबसे पहले शाकाहारी बनो, धीरे धीरे बदलाव आएगा, और ध्यान करो। सुभाष पत्री जी, ब्रह्म ऋषि, पितामह पत्री जी ने हमें वो चीज़ दी है जो हमें ना हमारी माँ ने दी ना हमारे पिता ने दी। उन लोगों ने हमें खुद से मिलाया है, अपने आप से मिलाया है कि हम क्या हैं, इस दुनिया में करने क्या आए हैं, हमारा पर्पज़ क्या है यहाँ आने का। हम लोग आए हैं अपने मम्मी पापा के जरिए, लेकिन हमें रास्ता दिखाया है हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने, और हम मैं उनका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि उन्होंने, मैं आज 45 साल की हूँ, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं फर्स्ट टाइम हर एक चीज़ को छोड़ के नहीं, मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ा, और मैं आज इस ध्यान महाचक्र में आई हूँ, महाकुंभ में, और मैं बहुत खुश हूँ। पितामह पत्री जी ने हमें वो चीज़ दी है जो हमें किसी ने नहीं दी। थैंक यू सर, थैंक यू पितामह।